इस समय एक महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है और वह घटना है G20 का शिखर सम्मेलन। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का योजना IAS के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वह UPSC CSE की परीक्षा से जुड़े हुए, उन मुद्दों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। इसी कड़ी में इस समय एक महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है और वह घटना है G20 का शिखर सम्मेलन। मित्रों इस सम्मेलन का जो आयोजन है वह बहुत प्रमुख है, क्योंकि यह आयोजन हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाला है। और चूंकि भारत इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस सम्मेलन के बारे में मूलभूत बातों का अध्ययन पहले से कर लें, क्योंकि यह ना सिर्फ परीक्षा उपयोगी है बल्कि वरन फिर से यह एक गौरव का विषय है कि हमें G20 देशों के अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है। तो मित्रों बिना देर किए आइए समझते हैं कि इसके अपने मायने क्या है, ये G20 क्या है और कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन से लक्ष्यों को लेकर इस शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा, ये देखते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह है 18वां आयोजन G20 शिखर सम्मेलन का, और जो कि कहां होगा, दिल्ली में होगा, और किन तारीखों में होगा, किस दिनांक में होगा, तो 9 से 10 सितंबर को यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यदि हम बात करें कि वह G20 देश है क्या और किस प्रकार से इनका नामकरण हुआ, तो आप देखेंगे जैसे नाम से ही पता चलता है कि यह 20 देशों का एक समूह है। और ये जो 20 देश हैं, वह जब 1999 में एशिया में आर्थिक संकट आया, उस समय इन तमाम देशों के जो वित्त मंत्री हैं और यहां के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने मिलकर एक फोरम बनाने पर जोर दिया। और वह जो फोरम है वो ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा के लिए होना था। इसी फोरम का नाम बदलकर G20 समूह रखा गया और अब इसमें विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं, जो मूलभूत उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या मूलभूत सुधार करने चाहिए और कैसे हम एक स्थायी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि कौन से हैं वह G20 के सदस्य देश। तो भारत यहां पर सबसे पहला, ठीक अमेरिका, चीन, रूस, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया। और ध्यान देने वाली बात है, विकसित अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं दोनों का यह समूह, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूरोपियन संघ शामिल हैं इसमें। और विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं, इसलिए आपको पता होगा दिल्ली में इस समय 8-9-10 समस्त जो कामकाज वह लगभग बंद ही रहेगा और सिर्फ जरूरत की चीजें मिलेंगी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण यह है सम्मेलन। G20 की जो थीम है इस बार, वह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग, केसरिया, सफेद और हरे रंग से ये प्रेरणा लेती है। और G20 का जो लोगो है उसमें देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है इस बार, ये गौरव पूर्ण बात हमारे लिए क्योंकि हम अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मेलन की। और G20 की जो थीम है बेटा वो इस बार है वसुधैव कुटुंबकम। आपको पता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस पर हमारे देश का जो ये एक आदर्श है इस पर टिका हुआ, तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही हमारा परिवार है, यह मूलभूत भावना लेकर भारत आगे बढ़ता है। और वही इसकी थीम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, कॉमन फ्यूचर, कॉमन अर्थ, कॉमन फैमिली, ये इसकी अब की बार की थीम है। और थीम बेटा परीक्षा उपयोगी भी है और पूछी भी जाती है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि G20 की अपनी इस बार की प्राथमिकताएं क्या हैं। सबसे पहले समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा आजकल बहुत महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ी, ऐसे में हमें इकोलॉजिकल बैलेंस रखते हुए कैसे विकास करना है, कैसे विकासशील देशों को विकास की रेस में आगे बढ़ाना है, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। और यहां पर इस बात को ध्यान देना फिर बहुत आवश्यक हो जाता है। जीवन, पर्यावरण के लिए जीवन शैली कैसी हो, वुमेन एम्पावरमेंट एक महत्वपूर्ण मुद्दा आप जानते हैं,
कि भारत में लगातार महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। वैसे महिलाएं कहीं से भी आपको आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं दिखाई देंगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी हमें डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। उस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे दूर करना है और कैसे हमें एक स्वतंत्रता और समानता समाज में महिलाओं के लिए लानी है, उस पर भी बात करी जाएगी। स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा, यह तीनों मूलभूत चीजें मानव जीवन के लिए, उन पर से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ उपयोग है, एआई भी अब धीरे धीरे आ ही रहा है डिजिटल दुनिया में, तो उसमें हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट लें, तकनीकी सक्षम विकास, स्किल डेवलपमेंट पर जोर कैसे किया जाए, कौशल मानचित्रण, स्किल डेवलपमेंट, स्किल मैपिंग कैसे की जाए, कैसे लोगों को स्किल्ड किया जाए टेक्निकल वर्क करने के लिए, संस्कृति और पर्यटन, कल्चरल एक्सचेंज बहुत जरूरी चीज, जिससे एक देश दूसरे देश के नजदीक आता है और पूरे फॉरेन रिलेशंस हमारे चलते हैं। जलवायु वित्त पोषण बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, मैंने पहले ही कहा बदलती जलवायु में, बदलते पर्यावरण प्रदूषण में बहुत आवश्यक है कि हम इकोलॉजी एनवायरमेंट पर ध्यान दें, एनवायरमेंट पर ध्यान दें, अपने क्लाइमेट चेंज को ठीक करने का प्रयास करें और वो पूरी पृथ्वी के लिए जरूरी। चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा यूपीएससी सीएससी की परीक्षा के लिए। ऊर्जा सुरक्षा की बात करेंगे कि एनर्जी सिक्योरिटी कैसी हो। बेटा, एनर्जी से ही पूरी पृथ्वी चलती है, ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है, ऐसे में इस एनर्जी को सेव कैसे किया जाए, तो फिर ग्रीन हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी, अनुकूलन, एडप्टेशन हम आज के मायनों में कैसे करेंगे, उसके बाद विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधारों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। ठीक, और अगर आप इस पूरी थीम को समझ पाए तो यहां पर जो महत्वपूर्ण बिंदु कि सबसे पहले आपके लिए ये की पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से, और उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये देश की G20 के सदस्य कौन कौन से देश हैं, इसके बाद आगे बढ़े तो फिर हमारी थीम, और थीम में हमारी थीम बहुत ही आवश्यक। जो बच्चे वनडे पेपर देते हैं SSC या किसी स्टेट सर्विसेज के, उनके लिए ये थीम्स वगैरह बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, परीक्षा उपयोगी होती हैं, परीक्षा में पूछी जाती हैं, और फिर हमारी प्राथमिकता। ओवरऑल सिनेरियो में अगर देखा जाए तो यह इंट्रोडक्टरी वीडियो, क्योंकि अभी G20 की बैठक होने वाली है, तो कुछ खास बिंदुओं के साथ हम आपके सामने आए थे। हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि आपको इंट्रोडक्टरी लेवल की जानकारी प्राप्त हो पाए और थोड़ी सी जानकारी से कम आप क्वेश्चन सॉल्व करने तक की अपना जो सफर है उसको जारी रख पाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दें ताकि अपडेट आप मिस ना करें, और लगातार हमसे जुड़े रहिए इसी तरीके के करंट अफेयर्स की इंट्रोडक्टरी जानकारी के लिए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, ऐसी ही प्रभु से हमारी काम, धन्यवाद।